बिहार में चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में बिहार की राजनीति में नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं और राजनीति के अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों में अपना वर्चस्व निर्माण कर रहे हैं। ठीक उसी तरह बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी की तैयारियों में जुटे राजेंद्र कुमार सिंह ने अपने सरकारी और सामाजिक कार्य अनुभव बताते हुए बिहार के विकास को लेकर भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने की बात कही है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा राजेंद्र कुमार सिंह ने। जनता बताती है, जनता कभी झूठ नहीं बोलती है। आपने सुना है ना कहावत, ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, ये जनता है, जनता सब कुछ जानती है। जनता की निगाह से कोई चीज़ छुपा नहीं है, न नेता छुपा है, न यहाँ की समस्या छुपी है। जनता सब कुछ जानती है और आप पत्रकार हैं, आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है आप देखते हैं, यहाँ की पढ़ाई लिखाई का स्तर कितना कहाँ तक गया है ये भी आप देखते हैं। अभी तक यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज तक नहीं बना है, जहाँ पर बरौली में और माझा में ये दो ब्लॉक हैं, कम से कम दोनों ब्लॉक में डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि गरीब जनता का बच्चा कम से कम डिग्री तक जो है एजुकेशन ले, ग्रेजुएट तो बने। क्योंकि जितनी सरकारी वांट निकलता है उसमें ये पूछा जाता है कि भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इस ग्रेजुएशन करने के लिए या तो गरीब किसानों के बच्चे को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है या दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, तो इनका खर्च कितना बढ़ जाता है। अब गरीब आदमी जो बच्चे को ग्रेजुएट बनाना चाहता है वो कहाँ से बनाएगा। तो मेरा तो पहला कर्तव्य होगा कि यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई यहाँ पर शुरू करूँगा, निश्चित रूप से दोनों प्रखंड में। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी बरौली में जाइए तो वहाँ पर तो जैसे लोग बोलते हैं कि रेफर हॉस्पिटल है, डॉक्टर जो है भी रोगी को देखने का पहले ही उसको चिट्ठी पर लिख देता है चले जाओ गोपालगंज, चले जाओ मुजफ्फरपुर, चले जाओ गोरखपुर, चले जाओ पटना, मतलब बिना जांच के ही लिख देता है। तो क्यों लिख देता है? इसका कारण ये है कि वहाँ पर न स्टाफ है, स्टाफ की व्यवस्था अगर होती, चार बेड का हॉस्पिटल है तो चार बेड के हॉस्पिटल में कितने रोगी आएंगे। प्रखंड में एक आदमी को सांप काट देता है तो सांप काटने का इलाज नहीं है, आधे लोग रास्ते में मर जाते हैं। गोपालगंज में इलाज में बोलता है कि जाओ गोरखपुर, जाओ पटना। अरे पटना गरीब आदमी गोरखपुर कैसे जाएगा, उसके पास इतना धन है। तो बेसिक जो इलाज का चीज़ है, आपने देखा है बीच में ही कितने सांप कटने से लोग मर गए, सांप काटने से लोग मर गए, बाढ़ में डूबने से कई लोग मर, पानी डूब गया तो आदमी मर जाता है। इलाज का साधन तो होना चाहिए, प्राथमिक उपचार होना चाहिए। तो हम सब अगर विधायक बने तो निश्चित रूप से हमारा पहला चीज़ शिक्षा और दूसरा चीज़ स्वास्थ्य रहेगा। और स्वास्थ्य इसलिए रहेगा कि हर गरीब का बच्चा जाकर सरकारी हॉस्पिटल इतना बढ़िया बनेगा कि उसको प्राइवेट में जाने की नौबत ही नहीं आएगी।